जो प्रधानमंत्री बनने के लिए चले थे, अब हाल ये है कि उनकी स्थिति आज ये हो गई कि वो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, वो अब सांसद बनने की योग्यता में नहीं रहे। एक व्यक्ति से के बनने से पूरा समाज कैसे बदल जाएगा, मुझे बताइए। आंदोलन और विचार से निकला हुआ व्यक्ति अगर पद पे जाएगा तो समाज के लिए भला करेगा। न केवल आपका वोट एकजुट हो बल्कि अन्य समुदायों का वोट भी आपको मिले, ऐसी सर्वसमावेशी राजनीति बनाने का काम बहुजन पार्टियों को और बहुजन नेताओं को करना चाहिए। तो आपने पहले दलित को छोड़ा, फिर आपने बहुजन को पकड़ा, फिर बहुजन को भी छोड़ा, आपने कुछ और पकड़ा और अंत में फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय भंवर मेघवंशी जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपने तमाम वीडियो देखी होंगी और उनकी किताब भी है कार सेवक जो उन्होंने लिखी थी और काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़ा संगठन है अभी आरएसएस, उससे वो बाहर आए और उसके बाहर आने का रीज़न भी तब सभी लोगों को पता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बहुजन राजनीति पे। क्या कहेंगे सर, देश में इतने सारे नेता हैं और बाबा साहब को लगातार लोग कोट करते हैं कि बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी बहुजनों की होगी, तो कमी कहाँ रह जाती है? आखिर क्या चीज़ें हैं जो अभी भी जो है दलित समाज वो समझ नहीं पाया है? मुझे लगता है कमी खोजने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने अगर ये कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की होंगी, तो आप देख सकते हैं कि बहुजन हर क्षेत्र में आज दिखाई दे रहे हैं। वो शायद हमारी गति उतनी तेज नहीं है जितनी होने की ज़रूरत है, जितनी वक्त इस वक्त चाहिए, लेकिन बावजूद इसके भी हर क्षेत्र में अभी जो लोग नज़र आ रहे हैं उसको देखते हुए मैं तो कोई निराशा नहीं देखता। मुझे लगता है कि हाँ, बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी कुछ हुआ भी है और जो हुआ उसको भी हमें मानना चाहिए और जो नहीं हुआ उसको भी हम स्वीकार करते हैं कि और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे सर, दलित नेता हैं, चाहे हम एक तरफ हम बात करते हैं क्योंकि बाबा साहब ने भी बोला शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो उनके जो 3 स्लोगन हैं, और मैं जब पढ़ता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम लोग वो स्लोगन हर मीटिंग में बोलते हैं, हर सेमिनार में बोलते हैं, लेकिन अगर हम धरातल पे देखें, अगर हम पॉलिटिकली देखें उसको, तो वो चीज़ नज़र नहीं आती है। बाबा साहब ने सभी की बात की थी, ST ST OBC सभी की बात की थी, लेकिन अगर धरातल पे देखें तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। चाहे वो सपा हो, बसपा हो और ये तमाम जो पार्टियां हैं वो एक साथ पटल पे नहीं आ रही हैं, और दूसरी जो लड़ाई है सर वो नहीं लड़ पा रहे हैं ये सभी लोग एक साथ मिलके, तो इसको किस वे में ले रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां अगर अलग अलग है तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके बीच में मतभेद है और वो एक साथ आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हाँ, बाबा साहब का नाम सब लेंगे, बाबा साहब का नाम बीजेपी भी लेती है, कांग्रेस भी लेती है, सपा भी लेती है, बसपा भी लेती है, कोई ज़्यादा लेते हैं, कोई थोड़ा कम लेते हैं, कोई वोट के लिए लेते हैं, नाम सब लेते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर इन सारी पार्टियों को जोड़ने का कोई ब्रिज बनेंगे या सेतु बनेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो तो एक विचार है जो समाज में व्याप्त है और सब उन्हीं विचारों को दोहराते हैं, वही 3 बातें जो है बाबा साहब की सब कोई बात करता है। महत्वपूर्ण बात ये है कि आज की जो बहुजन राजनीति है उसमें ऐसा कोई कॉमन तत्व नहीं है जो उनको एक ला सके, केवल सत्ता के अलावा। और अगर आपका केवल सत्ता प्राप्ति अभियान है तो फिर आप कुछ भी करते हैं उसके लिए, विचारधारा पे तो नहीं चल रही ना पार्टियाँ। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कहा कि हम जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा वही हमको करना है, या समाजवादी हैं वो लोहिया के पथ पे ही चल रहे हैं, या कांग्रेस है वो गांधी के पथ पे चल रही है, ऐसा तो नहीं है। तो दरअसल सुविधा के अनुसार अपने अपने आदर्शों का और उनके विचारों का स्मरण करना, उपयोग करना, ये सब चलता रहता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगता है कि वो एक साथ मिलके कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हो, मुझे तो नहीं लगता है। और आप उनसे इतनी उम्मीद भी मत करिए कि भाई वो एक हो जाएंगे या एक होकर चलेंगे, ऐसा नहीं है। वो जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, यही सब चीज़ें चलती। लेकिन लगातार लोग कहते हैं शासन सत्ता में जो है एक दिन बहुजन आएगा, दलित प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये जो कल्पना लोग कर रहे हैं
इस कल्पना को किस तरह, किस आधार पर सर ये सत्य होगी, क्योंकि अगर धरातल पे देखें तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। देखिए वो सब लोग कहते हैं कि सत्ता मास्टर चाबी है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, और हम हुक्मरान बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका क्या रोड मैप है हुक्मरान बनाने का? और जो प्रधानमंत्री बनने के लिए चले थे, अब हाल ये है कि उनकी स्थिति आज ये हो गई कि वो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, वो अब सांसद बनने की योग्यता में नहीं रहे। तो ये जो स्थिति है ये तो चलती रहेगी, नई पार्टियां भी बनेगी, रोज़ नई नई पार्टियां भी बन रही है, दलितों की इतनी पार्टियां बन गई है, वो एक दूसरे के खिलाफ बात कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं कि एक पार्टी सत्ता में आए, सत्ता के मुख्य विचार में दलित बहुजन कहाँ है उसको देखना पड़ेगा। आप अपनी पार्टी बना के सत्ता में लाएंगे तब तक आपकी दो पीढ़ियां बीत जाएगी, तो क्या वो करना चाहते हैं, या जो इस समय पार्टियां हैं उनको अपने तरीके से बदलना चाहते हैं, उनका उपयोग करना चाहते हैं? तो राजनीति अभी जो पूरी चल रही है वो केवल सत्ता की चल रही है, निर्वाचन की राजनीति चल रही है। मेरा ये मानना है कि समाज का राजनीतिकरण करने का, राजनीतिक प्रशिक्षण करने का जो काम चलना चाहिए, राजनीतिक जागरण का जो काम करना चाहिए, जो कभी माननीय कांसीराम जी ने किया या उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, वो काम ठप है। और वो काम जब तक वापस नहीं चलेगा तब तक आप सत्ता में आ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, आप भी क्या करेंगे? आप अपने चाहतों को ठेका देंगे, आप इनमें से कुछ लोगों को बिठा देंगे, लाल लाइट में बैठ जाएंगे, दो पैसा कमा लेंगे, बंगला बना लेंगे, और अंत में क्या करेंगे? फिर ईडी से डर करके और अपने खोले में छुप जाएंगे। तो ये राजनीति नहीं है, मेरा ये मानना है कि राजनीति थोड़ा कुछ और बड़ी चीज़ है, और उसी तरीके से हमको उसको देखने की। तो क्या कहेंगे सर 2024 को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपके भी कानों में वो आवाज़ पहुंच रही होंगी कि 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है, और ये जो दलित प्रधानमंत्री की कल्पना भी जो है अभी 2024 को देखते देखते ही हुई है, आप किस वे में ले रहे हैं इसको? क्या लग रहा है कि जो एक लोग मोर्चा बनाने की कहते हैं या विपक्ष में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्रिएट करने की बात करते हैं, तो क्या वो ऐसा कुछ होने वाला है या किस तरीके से किया जाए? 2024 में दुनिया नष्ट नहीं हो रही है, और ऐसा नहीं है कि इस समय कोई कुछ नहीं बना तो फिर कुछ बनेगा ही नहीं, लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा या संविधान नहीं रहेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये इतना सरल नहीं है। और मान लिया कि आपने दलित राष्ट्रपति बना दिया, फिर किसी दलित प्रधानमंत्री बना लिया, एक व्यक्ति कुछ बना दिया, एक व्यक्ति से के बनने से पूरा समाज कैसे बदल जाएगा मुझे बताइए? एक व्यक्ति में जब तक आपकी आस्था बनी रहेगी, एक नायक में जब तक आपकी आस्था बनी रहेगी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने चेताया था कि कोई कितना ही महान क्यों नहीं हो उसके चरणों में अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं खोनी चाहिए हमको, हमें एक व्यक्ति के किसी पद पर पहुंचने या उससे कुछ हो जाने की जो उम्मीद है समाज को, इससे बाहर निकल के झांकने की ज़रूरत है। और ये जो हम समय कुछ डेट निश्चित कर लेते हैं कि 24 में 29 में, उससे काम नहीं चलेगा, ये लंबा काम है और इसको निरंतर करते रहना पड़ेगा। और जब आप निरंतर राजनीतिक काम करते रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग सांसद बनेंगे, कुछ मुख्यमंत्री बनेंगे, उनमें से कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा। आंदोलन और विचार से निकला हुआ व्यक्ति अगर पद पे जाएगा तो समाज के लिए भला करेगा, अन्यथा केवल जाति के आधार पर आप किसी को बना भी देंगे तो वो समाज का और नुकसान करेगा बजाय कि भला करने। अच्छा उत्तर प्रदेश को देखें सर, हमें राजनीति की बड़ी फील्ड है, मैं सर दो तीन मिनट और लूँगा सर आपके। उत्तर प्रदेश में देखें तो लोकसभा की भी सीटें काफ़ी हैं और विधायक की भी, लेकिन अब वहाँ पर एक जमावड़ा लग जाता है तमाम बहुजन पार्टियों का, तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं वहाँ पर, फिर मायावती जी भी हैं, फिर वामन मेश्राम भी उसमें कूद जाते हैं, वो वैसी भी कूद जाते हैं, तो जो वोट का बंटवारा है वो तो अलग हो जाता है, लेकिन जो कुछ पार्टियाँ हैं जिनका वोट फिक्स है तो वो ईजिली फिर जीत जाती हैं, तो बहुजनों को क्या करना चाहिए तमाम लीडर जो हैं? मैं किन्हीं व्यक्तियों पर या पार्टियों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो आपने कहा कि जब वोट बटेगा तो आपकी ताकत कैसे बनेगी, तो न केवल आपका वोट एकजुट हो बल्कि अन्य समुदायों का वोट भी आपको मिले, ऐसी सर्वसमावेशी राजनीति बनाने का काम बहुजन पार्टियों को और बहुजन नेताओं को करना चाहिए, एकजुट आना चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो वो केवल वोट कटवा के रूप में होंगे। लेकिन फिर अगर बहन जी ये स्टेप लेती हैं, मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, तो अगर वो ये नारा दिया तो फिर समाज के लोग ही उनको फिर कहीं ना कहीं कोसते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कैसे हुआ, ये तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। मैं
सर्वजन हिताय की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सर्व समावेशी राजनीति की बात कह रहा हूँ, जिसमें आपको समाविष्ट करना पड़ेगा तमाम जातियों का। आप एकाध जातियों की राजनीति करेंगे उससे काम नहीं चलने वाला ना। अगर आपकी पार्टी एक ही जाति की पार्टी बन जाएगी और एक जाति दूसरी जाति से गठबंधन करके और सरकार बना भी लेगी तो बाकी लोग चिटक जाते हैं उससे। तो अगर बहुजन की भी बात थी तो बहुजन में ही सर्वजन की परिकल्पना भी थी, उसके लिए अलग से सर्वजन की बात करनी नहीं थी। तो आपने पहले दलित को छोड़ा, फिर आपने बहुजन को पकड़ा, फिर बहुजन को भी छोड़ा, आपने कुछ और पकड़ा और अंत में फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो अंत में ये जो स्थिति है उसको खुद ही उस पार्टी को देखना पड़ेगा जो निरंतर अपना नीचे जा रही है। सर अंत में मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, जो संसद में बैठे तमाम सांसद हैं और बाबा साहब ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था संसद में उन तमाम पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो, तो लेकिन उस तरीके का कार्य भी बहुजनों के लिए तो नहीं हो पा रहा है। इस देश के जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं इस तरीके से तो उनके लिए नहीं हो पा रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, क्या कहना चाहेंगे? और ये जो चीज़ें आखिर एक सांसद संसद में खामोश क्यों हैं, तो इसका किस तरीके से इसका निकाला जाए कि एटलीस्ट उनकी बातें तो उठें वहाँ? देखिए खामोशी के कई कारण हैं, कई व्यक्तिगत दबाव भी होते हैं, पार्टियों की पार्टी लाइन होती है, तो आप ऐसे नहीं उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहुत क्रांति वहाँ पे करेंगे। दूसरा ये है कि मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, वो किसी और के लिए काम करता है, क्योंकि कोई और उसको टिकट देता है, कोई और उसको वोट दिलाता है, कोई और उसको पैसा देता है। तो होने के लिए हमारा है, कहने के लिए, नाम के लिए, लेकिन वो हमारा व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए काम नहीं करता है। तो इस पर रीथिंक करना चाहिए कि ये राजनीतिक आरक्षण रहना भी चाहिए या इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, क्योंकि जिन जगहों पे रिजर्वेशन नहीं है, ओपन सीटें हैं, वहाँ हमारा समाज और ताकत में रहता है, वहाँ बार्गेनिंग का पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एकजुट होकर वोट डालता है और वो ज़्यादा प्राप्त कर सकता है, और वो बाकी समुदायों के जो लोग हैं वो और बढ़िया तरीके से बात रखते हैं। हमारा व्यक्ति तो खामोश रहता है, वो केवल जमाई लेता है तब मुँह फाड़ता है, बाकी तो दही जमा के बैठा रहता है। तो इस पर रीथिंक करें, ठीक रहेगा। आने वाला क्या भविष्य है अभी दलितों का देश में? सबका भविष्य अच्छा है अगर निरंतर काम करेंगे और निरंतर संघर्ष करेंगे तो, और अगर बैठे रहेंगे तो किसी का कोई भविष्य नहीं। थैंक यू। तो ये भंवर मेघवंशी जी थे राजस्थान से। लगातार आपने देखा है किस तरीके की तमाम चर्चाओं में भाग लेते रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। ये वही हैं जिन्होंने आरएसएस को छोड़ा और उसकी जो नीतियाँ थीं उसको उजागर किया। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।